हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने बेसिक चीजें जान ली थी। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी एटम, एटम यानी परमाणु क्या होता है, कहाँ से इस वर्ड का इन्वेंशन हुआ, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में बताया, फिर उसके बाद जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट या उसकी थ्योरी की अपन ने क्या की थी बात की। आज अपन बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं और किसे कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहोगे, अणु। अब मॉलिक्यूल या अणु से क्या मतलब है, तो मॉलिक्यूल या अणु का सीधा सा अर्थ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू एटम, आपके कोई भी दो एटम का कॉम्बिनेशन। क्योंकि एटम्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली, यानी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अकेले एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका अकेला एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर। तो उसको ज्वाइन होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा। अब अगर वो खुद के साथ, अगर वो क्या होता है, खुद के साथ जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ के और आपको क्या दे दे, H2 दे सकता है, या फिर यही हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के आपको क्या दे दे, H2O दे दे, क्या दे दे, H2O दे दे। तो इसकी कैपेबिलिटी होती है ज्वाइन होने की, ताकि ये क्या बना सके, एक कंपाउंड बना सके। अब जब सेम एटम होते हैं उसको तो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जब दो सेम एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो तो बन गया मॉलिक्यूल, और जब डिफरेंट एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बन गया, कंपाउंड। वो क्या बन गया, कंपाउंड, यानी एक यौगिक बन गया। तो कंपाउंड मींस डिफरेंट एटम का ज्वाइन होना, और मॉलिक्यूल मींस सेम एटम का क्या होना, ज्वाइन होना। अब देखो, जो एटम्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एलिमेंट, यानी तत्व, यानी कुछ ऐसे आपके एटम्स होते हैं जो अर्थ के नीचे मिलते हैं जॉइंट फॉर्मेशन में, उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट। अब तक लगभग 108 एलिमेंट के बारे में क्या है जानकारी हमारे पास। जैसे अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन, जिसका सिंबल अपन क्या काम में लेते हैं, एच काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या होता है, ओ होता है। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी किसी की लिखते हैं तो उसमें वो सिंबल ही क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अब ये अगर सेम एलिमेंट आपस में ज्वाइन हो गए तो वो मॉलिक्यूल बन गया, अगर अलग अलग एलिमेंट आपस में ज्वाइन हो गए तो वो क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो बात आती है एटॉमिक नंबर, यानी जिसको क्या कहते हैं, परमाणु का। अब कुछ चीजें अपन जान लेते हैं ब्रीफली। उदाहरण के तौर पे अब अपन कहते हैं कि एलिमेंट कोई भी अपन ने ले लिया, अब वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये पता लगाने के लिए कुछ रूल कुछ रेगुलेशन है जिनके बारे में हमें पता होना। तो एटॉमिक नंबर से पहले अपन बेसिकली बात करते हैं एटम की। एटम होता है नॉर्मली एक स्फीयर शेप, कैसी शेप होती है इसकी, स्फीयर मतलब गोलाकार होता है, ठीक है। एटम के अंदर जो स्फीयर है उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पे प्रोटोन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल है। अपन ने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में एक जगह रहते हैं, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इस सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस मींस नाभि। न्यूक्लियस या नाभि क्या हो गया, जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ किसका चार्ज है, प्रोटोन का चार्ज। प्रोटोन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमेशा न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में सेंट्राइज होता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, जैसे आपकी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। किसी भी एटम की साइज होती है 10^-10 मीटर, यानी इतना छोटा होता है कि इसको आप नेक्ड आई खुली आंखों से नहीं देख सकते, जबकि न्यूक्लियस होता है वो इससे भी छोटा होता है 10^-15 मीटर। उदाहरण के तौर पे बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, उसको आप एटम मानते हो, तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि एटम एक क्रिकेट ग्राउंड जिसकी रेडियस कितने किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, कितनी हो, 5 किलोमीटर रेडियस का एक सर्किल है, और उस सर्किल के सेंटर में एक छोटी सी कांच की गोली या क्रिकेट की बॉल रख दो, तो वो क्रिकेट की गोली या वो कांच की गोली क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में बहुत क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो किसी भी एटम के अंदर
जितने प्रोटोन है, जितने क्या है प्रोटोन है, वही उसका क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर एक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही क्या है प्रोटोन है। मैं कहूँ कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो मतलब ऑक्सीजन के पास कितने एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटोन हो गए, 8 प्रोटोन हो गए। तो किसी के पास जितने प्रोटोन है भाई उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी एटॉमिक मास, अब बात आती है किसकी एटॉमिक मास की, तो देखो एटॉमिक मास जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसी भी एटम का मास कितना है, उसका वजन कितना है। तो ये निकालने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, आपके पास कार्बन होता है कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, मतलब उसमें 6 प्रोटोन होते हैं। अब इस 6 कार्बन का जो भी मास होगा, 6 कार्बन जिसके अंदर है उसका जो भी मास है उसका 12th पार्ट 12वां भाग आपका क्या कहलाता है एटॉमिक मास कहलाता है। कार्बन 12 के एटॉमिक मास का जो 12वां भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी एटम में कितने प्रोटोन और कितने न्यूट्रॉन है उसके एड के बराबर, उसके जोड़ के बराबर उसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन नंबर किसको डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर को। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसको डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास को, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट कि आप एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हो और क्या कुछ होता है। अब एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूनिट काम में ली जाती है AMU, क्या काम में ली जाती है AMU, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, क्या होती है एटॉमिक मास, जिसको छोटी भाषा में हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्या कहोगे उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर करने के लिए क्या काम में ली जाती है एटॉमिक मास यूनिट AMU, और एक AMU किसके बराबर होती है कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट के, जो 12वां भाग आएगा ना, मान लो इसका वजन है 12 ग्राम, तो इसका 12वां भाग मतलब इसके 12 का भाग हो गया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम क्या होता है आपके एटॉमिक मास यूनिट के क्या होगा बराबर होगा, एटॉमिक मास यूनिट के क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट अब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर और अपन ने मॉलिक्यूल के बारे में जान लिया कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद बात आती है केमिकल फॉर्मूला, किसी भी चीज का क्या लिखना अपने को केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो केमिकल फॉर्मूला के लिए अपने को बेसिक सी कुछ चीजों का क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें जैसे उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है। अब जैसे कुछ एक सिंबल मैं बता रहा हूँ आपको, एच से डिनोट किया जाता है किसको हाइड्रोजन को, इसको हाइड्रोजन को, एच ई से हीलियम को, ठीक है, एल आई किसका होता है लिथियम का होता है, बी ई ये होता है बेरिलियम, इसका होता है बेरिलियम का होता है, बी किसका होता है बोरोन का होता है, सी होता है कार्बन का होता है, ठीक है, एन होता है नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, उसके बाद ओ होता है ऑक्सीजन का होता है, हो गया बात। अब ये जो जितने नंबर पे आ रहा है भाई इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब मतलब क्या हो गया आपका, जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन 7 पे आ रहा है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 7 ही हैं। उसके बाद फॉर्मूलों में आपके काम क्या आएगा, सोडियम 11 नंबर पे, एन ए मतलब सोडियम, 12 पे Mg मतलब जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम, ठीक है, 13 पे एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, फिर 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, ठीक है, 19 पे कैल्शियम और 20 पे पोटेशियम। ये कुछ बेसिक से एलिमेंट हैं जो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में आपकी क्या करते हैं मदद करते हैं कि भी इन चीज़ों से आप क्या लिख सकते हो केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए। अब अपन ने अभी बात की थी कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो कोई एटम है, कोई भी एटम ले लो, जैसे मैंने सोडियम का ले लिया,
ले लिया। अब सोडियम के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 नंबर पे आता है सोडियम, अभी बात की थी, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11। जब उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं लगा था ना, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, उसमें जितने प्रोटॉन है उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसमें से आप जो चीज निकालोगे वह उसी चीज का क्या आ जाएगा उस पर साइन। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे 10 और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 11। हमने कहा था प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे किसका माइनस का चार्ज, और दोनों का चार्ज होता इक्वल है, एक का प्लस में होता है एक का माइनस में होता है, कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ में कूलम, दोनों पे इक्वल होता है, इतना ही प्लस का चार्ज इस पे, इतना ही माइनस का चार्ज इस पे। अब आपने इलेक्ट्रॉन कर दिए 10, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको 10 से गुणा करोगे, प्रोटॉन कितने बचे हुए 11, तो मतलब 11 का चार्ज होगा। बताओ ज्यादा कौन है, प्लस वाली चीजें ज्यादा है माइनस वाली, प्लस वाली ज्यादा, तो मतलब इस पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैग्नीशियम सीएल क्लोरीन, मैंने माइनस का लिख दिया, तो मतलब क्या है, ये 17 नंबर पे आता है, इसमें प्रोटॉन भी कितने थे 17, इलेक्ट्रॉन भी क्या है 17। अब इस पे चार्ज किसका है माइनस का, मतलब आपने क्या निकाला होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए, इलेक्ट्रॉन कर दिए 18, प्रोटॉन हो गए कितने 17। एक चीज याद रखना, आप प्रोटॉन कभी कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो चीज होगी प्लस की, अगर आपने इलेक्ट्रॉन इंटर करवा दिए एटम किसका हो गया माइनस का हो गया। तो एक चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, डोनर मतलब जो अपने में से निकाल के देगा, वो हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है अपने अंदर, वो हमेशा किसका होगा माइनस का होगा, ठीक है। ये हो गया बेसिकली चार्ज सिस्टम की, किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, मॉलिक्यूल हो गए, उसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो गया। अब आपको याद क्या रखना है, आपको सिंबल याद करने है, किसी भी चीज का क्या सिंबल होता है, उसको किस सिंबल से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब अगर आप ये सिंबल याद कर लेते हो तो अपन क्या बना सकते हैं, किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपको सिंबल और ये बेसिक चीजें याद करनी है, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे वैलेंसी और किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला अपन कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।